हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लेके आई हूँ समर स्पेशल ठंडाई की रेसिपी। और इस वीडियो को देखने के बाद ठंडाई बनाना आपकी चुटकियों का काम हो जाएगा। बहुत ही आसान विधि से बताने वाली हूँ आज, तो वीडियो को पूरा देखें। यहाँ मैंने लिया है एक बोल और इसमें मैं डालूंगी 1.5 कप पानी। पानी डालने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भी मैंने रखे हुए हैं, तो यहाँ मैं डालूंगी 1/4 कप ऑफ कैश्यू, जिन्हें हम काजू भी कहते हैं। सेम 1/4 कप ऑफ बादाम, आप चाहें तो पिस्ते का भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ मैंने डाला है 2 चम्मच भर के पॉपी सीड्स खसखस। साथ ही यहाँ कुछ मैं देख सकते हैं आप इलायची है मेरे पास, ये 8 से 9 इलायची हैं, ये सारी की सारी मैं डाल दूंगी इसके अंदर। 1 चम्मच काली मिर्च, तो काली मिर्च फ्रेंड आप अगर आपको ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप इसकी क्वांटिटी को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब यहाँ ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच मोटा वाला सौंफ और 2 बड़े चम्मच मगज के बीज। तो यहाँ भी ये मगज के बीज आपको आसानी से किसी भी ग्रोसरी शॉप पर मिल जाएगी। सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। सबसे लास्ट में यहाँ मैं ऐड करने वाली हूँ देसी गुलाब, जो हमारे यहाँ मिल जाते हैं, उनकी पंखुड़ी को। यहाँ पे बहुत सिर्फ ड्राई पेटल्स का भी यूज़ करते हैं, पर आप ट्राई करें, अगर आपको फ्रेश गुलाब मिल जाए तो आप उसकी पंखुड़ी का यूज़ करें, जिससे कि जो अरोमा है वो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा स्मेल रिफ्रेशिंग लगता है। फिर बहुत से लोग यहाँ पे जो इन्ग्रीडियंट्स हैं उनको दूध में सोक करते हैं, तो अगर आप दूध इसमें डाल के सोक करना चाह रहे हैं तो आप इसको फ्रिज में रख कर ही सोक करें, अदरवाइज नेक्स्ट डे दूध फट सकता है। तो यहाँ मैं पानी में सोक कर रही हूँ, इसलिए इसको मैं नॉर्मल टेम्परेचर पर बाहर ही रखूँगी। और अभी यह मैं लगाऊंगी प्लेट और ओवरनाइट इसको हम सोक करेंगे। आइए अब हम चेक करेंगे। तो देखिए सभी चीज़ें थोड़ा फूली हुई दिख रही, क्योंकि हमने ओवरनाइट सोक किया था। तो सभी जो खसखस दाने हैं या बादाम है, काजू, ये सब बहुत अच्छी तरीके से सोक हो गए हैं। देखिए सभी का क्वांटिटी जो है थोड़ा सा बढ़ गया है। मैं आपको एक बादाम दिखाती हूँ, देखिए कितना इजीली पील हो रहा है, मतलब कि ये बहुत अच्छी तरीके से सोक हो गया है। तो अभी मुझे इन सब का एक थिक पेस्ट बनाना है, तो आइए इनका एक पेस्ट बना के रेडी करते हैं। तो यहाँ मैंने मिक्सर ग्राइंडर और अभी मैं स्पून से जो भी मसाला है, ये जो इन्ग्रीडियंट्स है, उनको ग्राइंडर में ले लूँगी। ध्यान रखिए अभी ये पानी को हम फेंकेंगे नहीं फ्रेंड, सभी मसाले को मैंने यहाँ ग्राइंडर में ले लिया है। अगर आपको खसखस दाने निकालने में प्रॉब्लम हो तो आप पानी जो चाय वाली छन्नी होती है ना फ्रेंड, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं ये सभी मसालों का एक फाइन सा पेस्ट बना के रेडी करूँगी, और अगर नीड लगेगा तो हम उसमें वापस पानी अलग से डालेंगे। तो देखिए यहाँ पेस्ट बना के रेडी किया है, लेकिन काफ़ी थिक दिख रहा है। तो अभी यही वाला जो पानी है ना फ्रेंड, मैं इसको ही ऐड करूँगी, करीबन 2 से 3 चम्मच। फिर इस वाले पानी को मैं इसलिए यूज़ करी हूँ क्योंकि इसमें सभी चीज़ों का बहुत ही अच्छा सा स्मेल, टेस्ट और एक्सट्रैक्ट निकला हुआ है, तो इसको अभी हम फेंकेंगे नहीं। अगेन मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। देखिए अभी बहुत बढ़िया फाइन पेस्ट बन के रेडी हुआ है, देखिए स्मूथ सा एक पेस्ट। पर ये फ्रेंड काफ़ी दरदरा होता है ये पेस्ट, तो इसको अभी हम स्मूथ और सिल्क टेक्सचर के लिए हम इसको छान लेंगे। तो यहाँ पर जो चाय वाली छन्नी होती है ना फ्रेंड, इसका हम यूज़ करेंगे। बहुत से लोग मलमल के कपड़े से छानते हैं, पर हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती है, तो यहाँ जो मैंने आइटम यूज़ किए वो सभी के घर में बहुत ईजिली अवेलेबल होते हैं। तो इस तरह से स्पून से आप जो मिक्सचर है उसको छन्नी में डालते जाएँ और रब करते जाएँ, और उसका जो भी एक्सट्रैक्ट है वो आपके बोल में आसानी से आ जाए। छाने के बाद जो भी हमारे पास थोड़ा सा मटेरियल बचेगा उसको हम एक बोल में खाली करेंगे, उसको फेंकना नहीं है फ्रेंड। अब इस तरीके से मैं अगेन स्पून में लूँगी और इसका जो एक्सट्रैक्ट है उसको निकाल लूँगी, अच्छी तरीके से इसको छान लूँगी। देखिए अभी भी ड्राई है पोर्शन जो निकला है, उसको मैं अगेन बोल में डाल दूँगी। तो यहाँ मैंने एक पूरा देख सकते हैं जार को छाना, तो यहाँ इतना एक्सट्रैक्ट निकला है। अगेन मुझे इसको पीसना है क्योंकि अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है फ्रेंड, तो हम इसको थ्रो नहीं करना है। तो अगेन मैं इसको डालूँगी जार में और इसमें से अगेन 2 से 3 चम्मच पानी डालूँगी। तो ये वही पानी है फ्रेंड जिसमें हमने सोक किया हुआ था, और अगेन ग्राइंड करूंगी और एक फाइन पेस्ट बनाऊंगी। देखिए अगेन पेस्ट बन चुका है और अगेन हम सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे, वापस से इस पूरे बैटर को हम अच्छे से छान लेंगे। ऐसे करने से फ्रेंड क्या होता है, हमारा जो मसाला वेस्ट नहीं होता। तो देखिए अभी इतना बचा है, हाफ से भी हाफ हो गया है क्वांटिटी, तो इसको हम आप या तो दूध में मिला के खा सकते हैं, फिर आप इसका यूज़ बचे हुए का हलवा बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो सारी चीज़ें हैं वो हलवे में भी जा सकती हैं, ड्राई फ्रूट्स, खसखस, तो इसको फेंके नहीं। ठंडाई का मसाला बन चुका है और अब हम ठंडाई बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ ठंडाई बनाने के लिए मैंने दूध का यूज़ किया, ये बफेलो मिल्क है, तो हमेशा फुल फैट मिल्क का यूज़ करेंगे। साथ ही साथ यहाँ कुछ आइस क्यूब है, बारीक पिसा हुआ शक्कर है और ठंडाई का मसाला। दूध हमेशा गाढ़ा ही लेना है, इस बात का ध्यान रखिए, तभी वो ठंडाई में टेस्ट आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1 कप यहाँ पे इसमें शक्कर मिला देंगे। हमने पिसी हुई शक्कर का यूज़ किया क्योंकि ये इजीली डिसॉल्व हो जाता है।
उस ऐसे मिक्स करके उसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे। और इसके अंदर डालेंगे 4 से 5 आइस क्यूब, क्योंकि ठंडा ही है फ्रेंड, तो उसको ठंडा होना तो ज़रूरी है। दूध तो मैंने चिल्ड लिया ही था, साथ में थोड़ा सा आइस भी ऐड किया है। और अब इसके बाद सबसे लास्ट में मैं डालूंगी ये ठंडाई का मिक्सचर, जो कि इस दूध को थोड़ा सा और थिकनेस देगा और टेस्ट भी डबल हो जाएगा। तो यहाँ ये ठंडाई बन के देखिए फ्रेंड, इस तरीके से रेडी हो गई है। अगर आप इसको और भी रिच बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर थोड़ी सी रबड़ी भी डाल दें तो ये डबल टेस्टी हो जाएगी। तो और यहाँ मैंने ठंडाई सर्व करने के लिए कुछ कूलर, जिसमें मैंने आइस क्यूब डाला हुआ है, आप इसकी जगह स्टील का ग्लास, कांच का ग्लास, आप जो चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। और अभी मैं इसको गार्निश करूँगी बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स के साथ में। तो यहाँ मैंने काजू और बादाम को इस तरह से काटा हुआ है लंबा लंबा, और इसके ऊपर थोड़ा सा गार्निश करूँगी मैं गुलाब की फ्रेश पत्तियों के साथ में। देखिए दिखने में तो कितना सुंदर दिख रहा है, टेस्ट में भी डब जबरदस्त है। तो ये पी के आपको इस समर में बहुत ही फ्रेश और बहुत ही चिल्ड फील होने वाला है। और आप ये रेसिपी ट्राई करें और अपनी जो व्यूज़ हैं वो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलती हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।